नमस्कार। तो आज आप वोडाफोन आइडिया स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। वोडाफोन आइडिया के अंदर आज देखोगे तो तकरीबन 6% से ज़्यादा गिरावट हो चुके हैं और देख सकते कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी गिरावट आ हो चुकी है, क्योंकि चलते यहाँ पे आप देख सकते कि काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ आए, फिर ब्लॉक डील्स देखने को मिलेंगे और एनालिस्ट के रेटिंग भी थे जिससे वजह से स्टॉक के अंदर इतनी गिरावट हो चुकी है। और आज भी देखोगे तकरीबन 6-7% की गिरावट हो चुकी है। वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर के नतीजे अभी तक सामने नहीं आए, पर देख सकते कि पिछले कई सालों से कंपनी लॉस बनाती हुई दिखाई दे रही, जिसके कारण जो है मोमेंटम और भी वीक बन सकती है। अगर यहाँ पे आप देख सकते कि जब तक यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर मंथली बेसिस पे कम हो रहे, वो कम होना रुक जाए और एक यहाँ पे आप देख सकते कि नया अपडेट आ जाए कोई खास, जिसके वजह से कस्टमर यहाँ पे आ जाए, वो ऐसा अपडेट आ जाए तो स्टॉक के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव मुंह देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी रिसेंटली देख सकते कि बेरिश वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है, जिसके वजह से मोमेंटम और भी बेरिश बनती हुई दिखाई दे रही स्टॉक के अंदर। बाकी यहाँ पे रिसेंटली देखोगे न्यूज़ के ऊपर भी नज़र डालोगे, कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ या अपडेट नहीं है रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया स्टॉक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए।